अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये है मेरा फ़ारसी का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी और आज पार्ट 3 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है सवाल नंबर 1, बकरत किस जानवर को कहते हैं? तो नीचे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन इज़ गाय, ऊंट, गधा, घोड़ा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गाय। बकरत गाय को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मस्जिद हराम से कौन सी मस्जिद मुराद है? तो ऑप्शन है मस्जिद नबवी, खाना काबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कबा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, खाना काबा। फिर नेक्स्ट है, मस्जिद हराम कहाँ वाक़ है? तो मस्जिद हराम का ऑप्शन नीचे आप लोग देखो कहाँ वाक़ है, मदीना में, मक्का में, फ़लस्तीन में, तुर्की में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मक्का में। फिर नेक्स्ट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने महीनों तक नमाज़ पढ़ी? ऑप्शन इज़ 2 महीने, 12 महीने, 17 महीने, 16 महीने। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 17 महीने। फिर नेक्स्ट है, अस्सलात के क्या मानी है? ऑप्शन इज़ रोज़ा, ज़कात, नमाज, कुर्बानी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, नमाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ा और मरवा पहाड़ कहाँ वाक़ है? ऑप्शन इज़ मदीना में, मक्का में, बैतुल मुक़द्दस में, फ़लस्तीन में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मक्का में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबत के क्या मानी है? ऑप्शन इज़ जानवर, चौपाया, नबातात, जमात। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जानवर। फिर नेक्स्ट है, कुरान करीम किस माह में नाजिल हुई? ऑप्शन इज़ मुहर्रम, रमज़ान, शव्वाल, शाबान। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रमज़ान। फिर नेक्स्ट है, रोज़ा की फर्जियत कब हुई? तो ऑप्शन इज़ 2 हिजरी, 5 हिजरी, 7 हिजरी, 9 हिजरी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 2 हिजरी। फिर नेक्स्ट है, मरियम अलैहिस्सलाम कौन थी? ऑप्शन इज़ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ, या यूनुस अलैहिस्सलाम की माँ। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ। फिर नेक्स्ट है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई, या ज़बूर, या फिर इंजील। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इंजील। फिर नेक्स्ट है, रूहुल कुद्दूस किस फरिश्ते को कहते हैं? ऑप्शन इज़ मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल, या जबराइल। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जबराइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, अलबयूत के क्या मानी है? तो अलबयूत के क्या मानी है? ऑप्शन इज़ घर, मैदान, मस्जिद, छत। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, घर। अब मैं आप लोगों को पूरा ऑप्शंस पढ़ के नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। अगर मैं सारा ऑप्शंस लेकर आप लोगों को समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और आप लोग के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, आप लोगों को जल्दी सारा कवर करना है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन बताऊँगी और डायरेक्ट आंसर बताऊँगी, ठीक है? तो अल्पसंध के क्या मानी है? तो अल्पसंध के 1000 साल मानी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, अहल किताब से कौन लोग मुराद है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यहूद व नसारा। फिर नेक्स्ट है, बैतुल मुक़द्दस कहाँ है? तो ऑप्शन ए फ़लस्तीन में। फिर नेक्स्ट है, हज़रत हाजरा कौन थी? तो ऑप्शन ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी। फिर नेक्स्ट है, हज़रत इस्माइल के वालिद मुहतरम का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब नीचे आप लोग देखो 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, या आप लोग खुद से ढूंढ के करेंगे। आप लोग को पता होगा मैं इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा चुकी हूँ, तो आप लोग को पता होगा इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? तो ये सब आप लोग कर लो, इतना मैं करा दी हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सारा कुछ। इस तरह से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और आप लोग को ऐसे नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप लोग को टिक करना होगा, ठीक है? तो चलिए पार्ट 3 में अच्छे से समझा दी हूँ। पार्ट 4 में मैं आप लोगों को उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, देन फारसी डन, ठीक है? फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें।